काँग्रेस आरपीआई कवाडेगड गवईगड कटारेगड महाआघाडी के उम्मीदवार समीर भुजबल जी के प्रचार के लिए लगाई गई आज की इस मीटिंग के मेहमान खुसूसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर हमारे बुजुर्ग नेता अरुण भाई गुजराती साहब, आपके हल्के की साबिक एमएलए माजी मंत्री शोभाताई बचाओ जो औरंगाबाद से आप लोगों के बीच में आए, हमारे पार्टी के लीडर कमाल फारूकी साहब, हेमलता पाटिल जी, पालम पठान, निजाम कोकली साहब, पालम पटेल, स्टेज पे बैठे हुए सभी लीडरान और यहाँ पे आए हुए बुजुर्गों, माँ बहनों और नौजवान साथियों, हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। आने वाले 29 तारीख के दिन ये लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप 3 नंबर की घड़ी का बटन दबाकर समीर भुजबल जी को लोकसभा में भेजने का काम करें। तो जिन नौजवानों ने मीटिंग का यहां पे इनेकाद किया, एनडी सरकार ग्रुप अजमेरी ग्रुप के आपने जिम्मेदारी ली है, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस लड़ाई में हम लोगों के साथ हैं। साथियों, 5 साल पहले इस मुल्क के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, और उससे 2 साल पहले से एक साजिश इस मुल्क में रची गई। कि 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी, ९ में चुनाव हुआ, दोबारा सरकार आ गई, यूपीए की मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, देश की जनता मानने के लिए तैयार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम बनाया इस मुल्क के अंदर कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, सभाएं करेंगे, और सबसे पहली सभा नितिन गडकरी जी जो अध्यक्ष थे उनकी कयादत में बेंगलोर में हुई। आंदोलन में भीड़ नहीं आई, फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर लगाया गया कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का कार्यक्रम। भीड़ नहीं आई तो नितिन गडकरी बेहोश हो गए, पूरी तरह से आरएसएस परेशान हो गया कि मुल्क के अंदर 8 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा। तो कर्नाटक के पुतुपत्ती में आरएसएस की एक बैठक हुई और बाबा रामदेव जी को जिम्मेदारी दी गई कि सरकार के खिलाफ माहौल अलग ढंग से बनाया जाए। राधेगंज से अन्ना हजारे जी को तैयार किया गया, देश के अन्य कई लोगों को तैयार करके जंतर मंतर पे पहली बार जब एक आंदोलन शुरू हुआ और लोकपाल के नाम से आंदोलन खड़ा करके लगातार सरकार को बदनाम करने का काम किया गया। गुजरात में बैठकर नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी कार्यक्रम बना रहे थे, और आप लोगों को याद होगा मिस्र के आंदोलन के बाद लगातार टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था कि जनता सड़कों पे आ गई,
उसी तरह का माहौल पूरे टेलीविजन पे बताया जा रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। सरकार को बदनाम करने का काम किया गया, आरोप लगाया गया कि देश के अंदर 2G का घोटाला हो गया 1,72,000 करोड़ का। आरोप लगाया गया कि कोयले का घोटाला हो गया, आरोप अलग अलग ढंग से दिल्ली की सरकारों पे लगाया गया, महाराष्ट्र की सरकार पर लगाया गया। और सरकार को बदनाम करके एक माहौल बना के जो चुनाव 2014 में हुए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मोदी जी देश भर में घूमने लगे, अलग अलग तरह से वादे करने लगे, पर हम लोग देखते थे कि हर मीटिंग में नौजवान चिल्लाता था मोदी मोदी मोदी। लेकिन 5 साल के बाद हमने किसी भी मीटिंग में नहीं देखा कि कोई मोदी मोदी का नारा लगा। आज मोदी जी बनारस में रोड शो कर रहे थे, 5 साल पहले भी रोड शो हुआ था, तब नारा लग रहा था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। आज हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा नहीं लगा, क्योंकि 5 साल पहले मोदी जी ने जो वादे किए थे, एक ही गाना बजता था हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे थे, इतना गाना बजा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी लाने वाले हैं। जब देश के चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हो गए, गांधीनगर में मोदी जी मंच पे इसी तरह से खड़े थे और मंच पे पहले ही आते बोले, अच्छे दिन जनता बोल रही थी आएंगे। देश के टेलीविजन पे नारा गूंज रहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 5 साल में अच्छे दिन का नारा, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा पूरी तरह से हवा हवाई हो गया। वादा किया गया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, 5 साल में देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार का ये आलम है कि आंकड़े आए हैं कि 45 साल में बेरोजगारी अपने दौर में सबसे ज्यादा है, ऐसे आंकड़े देश के सामने आ गए। नए रोजगार के तो अवसर पैदा नहीं हुए, नोटबंदी के बाद GST के बाद देश के अंदर लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी लगातार नौकरियां लोगों की जा रही हैं। जेट एयरवेज में 22,000 लोग काम करते थे बंद हो गई और 22,000 लोगों को बेरोजगार करने का काम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हुआ। अरुण भाई आप लोगों को याद होगा, हम लोगों को याद है कि एक टेलीफोन के लिए MP से लेटर लिया जाता था। देश की जो PSNL कंपनी थी, टेलीफोन की कंपनी, गांव के किसी भी कोने में 40 साल पहले लोगों के जुड़ने का साधन था। मोदी जी की सरकार में उस कंपनी के जो कर्मचारी लगभग देश में 3 लाख हैं, 4 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बांटी जा रही। रेलवे डिपार्टमेंट हो तो किसका टेलीफोन खरीद रहे हैं? Jio का टेलीफोन खरीदा जा रहा है। अरुण भाई आपने सच बोला कि ये सरकार मोदी जी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं, अंबानी चला रहे हैं और Jio चल रहा है और भारत सरकार का टेलीफोन कंपनी बंद हो रही है। मुझे याद है कि 2004 में हम लोग जब चुनाव में वोट देखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, यही रिलायंस का टेलीफोन आया था और एक नारा लगा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब धीरू भाई अंबानी का नया कार्यक्रम है कर लो दुनिया अपनी जेब में, इस तरह से मोदी सरकार ने
पहले रिलायंस का टेलीफोन लाया, अब जियो के माध्यम से लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वादा किया गया था, मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हमने क्या किया, 24 करोड़ खाते खोले। हाँ, हम लोगों ने देखा है कि आपने खाते खोले, लेकिन खाते कैसे खोले हम लोग जानते हैं। जब जनधन योजना के नाम से आपने जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाया, पहले का कार्यक्रम था, प्रचार आपने किया, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जाके गलियों में बोलता था, कूड़ा था या छत्ती नारे 15 लाख, खोलो खोलो खाता, इसमें ही 15 लाख आएगा। गरीब आदमी लालच में खाता खोल दिया, लेकिन खाते में कुछ आया? रोज कई लोग जाते हैं एटीएम में चेक करने के लिए, कहीं कुछ आ तो नहीं गया, चुनाव आया है शायद आ जाएगा। जितने भी वादे इस सरकार ने किया था, पूरी तरह से सरकार वादे निभाने में नाकाम हो गई। महाराष्ट्र की भी सरकार आ गई, महाराष्ट्र के बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये भी वादों पे वादा करते गए। महाराष्ट्र सरकार का कोई वादा पूरा हुआ क्या? देश महाराष्ट्र की जनता जानती है। जहां पे शिवसेना का उम्मीदवार है और जो शिवसेना 4.5 साल पहले अलग चुनाव लड़ रही थी, ये बोल रही थी कि अफजल खानचा फौजा महाराष्ट्र उतर ली, आणि आम्ही वाघ असताना नखानी अफजल खानचा कोतला बाहेर काढू, 2-1 महिना पहिले यही उद्धव ठाकरे। कोतला करने की बात करने वाले जाके ढोकला करके वापस आ गए। इनकी वाघ है कि बिना नाखून के वाघ है, ये देश की और महाराष्ट्र की जनता देख रही है। 5 साल तक, पिछले 4.5 साल तक शिवसेना के नेता बोल रहे थे कि दिल्ली की सरकार नालायक सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार नालायक सरकार है, बोल रहे थे कि राजीनामा खीसे में लेके घूम रहे हैं, बोल रहे थे कि पहरेदारी चोर है, मोदी चोर है की बात कर रहे थे, नारा दे रहे थे कि पहली में अंदर फिर सरकार। अरुण भाई हमारे गांव से तो अयोध्या 40 किलोमीटर है, गए अयोध्या में और सरयू नदी की आरती करके चले आए, फिर आए यहां महाराष्ट्र में आरती करने लगे। यानी सांगितला पहले मंदिर फिर सरकार, चौकीदार चोर है बोलते हो, पहले मंदिर फिर सरकार बोलते हो, क्या ऐसी बात है कि आप अमित शाह के सामने झुक गए, ये महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। अमित शाह जी अच्छे अच्छे नेताओं को ब्लैकमेल करके झुका देने का काम करते हैं, और हमारी जानकारी है कि धमकी दी गई कि अगर नहीं साथ में आओगे तो उठा के पटक देंगे, पहले बोला था, घर में जाके कोई कागज बता दिया और शिवसेना वाघ से बकरी बन गई। लेकिन हमारा नेता भुजबल है, छगन भुजबल साहब को भी धमकी दी गई कि साथ में आओ नहीं तो जेल में डाल देंगे, बोले जेल में डालो, साथ में नहीं आएंगे, विचारों की लड़ाई है, तुम्हारे साथ हम खड़े रहने का काम करेंगे। राणे साहब चले गए, देश में कई नेता मुख्यमंत्री अमित शाह के दबाव में चले गए, लेकिन भुजबल साहब ने बोला कि मैं मनुवादी विचारधारा के साथ नहीं जा सकता, मैं साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा का आदमी, तुमसे लड़ूंगा, जेल में डालो, 2 साल रखो, 5 साल रखो, मैं डरने वाला नहीं। आज आप लोग के बीच में हम लोग यहां पर आए हैं, संकट है देश में, ये कोई